गर्मियों में एक बार ये पैक लगा लिया तो चेहरे के सारे दाग धब्बे और पिगमेंटेशन को दूर करके स्किन को बहुत टाइट, ब्राइट और ग्लोइंग बनाएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद के हेल्थ एंड ब्यूटी सीक्रेट में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन सा फेस पैक शेयर कर रही हूँ जो कि आपकी स्किन को टाइट, ग्लोइंग और बेदाग बनाने में बहुत ज़्यादा कारगर है। और इस पैक को ऑयली, ड्राई और नॉर्मल सभी स्किन वाले अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान से है। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इस तरह का एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करके ऑल ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा आपकी कोई प्रॉब्लम है स्किन या हेयर से रिलेटेड तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है क्लीन बोल। तो उसके बाद नेक्स्ट गाइस मैं यहाँ पर ले रही हूँ रोज पेटल पाउडर यानी कि गुलाब की पंखुड़ियों का पाउडर। गुलाब में विटामिन सी और विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और भी बहुत सारे खनिज पदार्थ इसमें पाए जाते हैं जो कि हमारी स्किन को टाइट और ग्लोइंग बनाते हैं। साथ ही हमारे चेहरे पर जो भी डार्क स्पॉट्स होते हैं और एक्ने और पिंपल के जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं उन्हें लाइटन करता है, स्किन को ग्लोइंग करता है और स्किन को ब्राइटर करता है। तो एक चम्मच मैंने यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियों का पाउडर ले लिया है। नेक्स्ट गाइस मैं यहाँ पर ले रही हूँ ऑरेंज पील पाउडर यानी कि संतरे के छिलके का पाउडर जो कि विटामिन सी से रिच होता है। हमारे चेहरे के सारे जो भी पिंपल एक्ने के दाग धब्बे होते हैं, अगर डल स्किन है, सन टैन है, तो उसे भी रिड्यूस करके स्किन को ग्लोइंग और बेदाग बनाता है और स्किन को टाइट भी करता है। नेक्स्ट चीज़ गाइस मैं यहाँ पर ले रही हूँ चंदन पाउडर। चंदन पाउडर जो होता है वो हमारे कील मुहासों को और कील मुहासों के दाग धब्बों को मिटाने में मदद करता है, चेहरे की झुर्रियों को मिटाता है, स्किन को टाइट, बेदाग और ग्लोइंग बनाता है और हमारी स्किन, हमारी जो रंगत होती है, हमारे चेहरे की रंगत को भी निखारने में मदद करता है। तो एक चम्मच मैंने यहाँ पर चंदन पाउडर भी ले लिया है। आधा चम्मच मैं यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मुल्तानी मिट्टी स्किप कर सकते हैं। तो सिर्फ आधा चम्मच मैं यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो होता है वो हमारी स्किन को काफ़ी टाइट करता है, स्किन की जो झुर्रियाँ होती हैं उसे दूर करने में हेल्प करता है। उसके बाद दो चम्मच मैं यहाँ पर रोज़ वाटर ले रही हूँ। रोज़ वाटर जो होता है हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है जिससे हमारी स्किन पर ड्राइनेस नहीं होती, हमारी स्किन फ्लेक्सिबल बनी रहती है, हमारी स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो बना रहता है। नेक्स्ट गाइस मैं यहाँ पर ले रही हूँ नॉर्मल वाटर। तो तीन से चार चम्मच मैं यहाँ पर नॉर्मल वाटर ऐड कर रही हूँ ताकि इस पैक की जो कंसिस्टेंसी वो अच्छे से बन जाए। तो चार चम्मच मैंने यहाँ पर नॉर्मल वाटर भी ले लिया। आप अपनी जरूरत के अनुसार यहाँ पर रोज़ वाटर या फिर नॉर्मल वाटर ही ले सकते हो या फिर आप इसको कर्ड के साथ या फिर रॉ मिल्क यानी कच्चे दूध के साथ भी आप इस पैक को बना सकते हो। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इस पैक को कच्चे दूध के साथ या फिर कर्ड के साथ बना सकते हो। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कर्ड और दूध का यहाँ पर यूज़ ना करें, सादे पानी या फिर रोज वाटर का ही आप यहाँ पर यूज़ करें। इसके अलावा अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप चाहें तो कर्ड या मिल्क नहीं है तो भी आप यहाँ पर एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हो। कम से कम एक चम्मच आप यहाँ पर एलोवेरा जेल ले लीजिए और फिर नॉर्मल वाटर के साथ इसे मिक्स करके इसका पैक तैयार कर सकते हो। तो फ्रेंड, इस तरह से ये जो पैक है नॉर्मल, ड्राई और ऑयली सभी स्किन वालों के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। सो गाइस, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और पैक हमारा बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही बेहतरीन सा पैक है। तो सबसे पहले इसके फ़ायदे जान लेते हैं गाइस। तो इसमें हमने डाला है गुलाब की पंखुड़ियों का पाउडर, चंदन पाउडर, ऑरेंज पाउडर। ये सारी चीज़ें हमारे चेहरे के जो भी दाग धब्बे हैं उसे मिटाने में मदद करती हैं। अगर गर्मियों में आपके चेहरे पर पिंपल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, गर्मियों में आपके चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं तो ये उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा गर्मियों में हमारे चेहरे पर टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो टैनिंग को भी रिमूव करता है। साथ ही ऑरेंज पील पाउडर में विटामिन सी होता है जो कि हमारे चेहरे के जो भी दाग धब्बे होते हैं उन्हें लाइटन करता है, हमारे जो चेहरे की रंगत होती है, चमक होती है, उसको निखारने में मदद करता है। गुलाब की पंखुड़ियों का जो पाउडर होता है वो भी हमारे चेहरे की चमक को बढ़ाता है। चंदन पाउडर भी हमारे चेहरे की झुर्रियों, दाग धब्बों को, कील मुहासों को नष्ट करके हमारे त्वचा की जो रंगत होती है उसे निखारने में मदद करता है। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन को टाइट करता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो यह आपके स्किन पर ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं होने देता क्योंकि स्किन का जो पोर्स होता है उसे क्लीन करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से इस पैक के बहुत सारे बेनिफिट हैं गाइस। स्किन को टाइट, रिंकल फ्री और बेदाग बनाकर स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाएगा। इसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश कर लेना है। उसके बाद इस पैक को अपने फेस पर अच्छे से लगा लेना है। इसकी एक लेयर अपने फेस पर अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद हल्के हल्के हाथों से आपको कम से कम 1.5-2 मिनट के लिए मसाज करनी है। मसाज करने के बाद फिर से आपको इस पैक को, फिर से जो भी पैक बचा है उस पैक को आपको अपने फेस पर फिर से अप्लाई कर लेना है। अगर आप मसाज नहीं करना चाहते तो इसको आप ऐसे ही लगा लीजिए। मसाज करने से इसकी जो प्रॉपर्टीज आपकी स्किन में ऑब्जर्व होंगी तो जो भी दाग धब्बे हैं आपके चेहरे पर उसे लाइटन करने में ये और भी ज़्यादा जल्दी काम करेगा।
लेकिन आप मसाज नहीं करना चाहते तो ऐसे ही आप इस पैक को अच्छे से लगा लीजिए। इसको 20 मिनट के लिए अपने फेस पर ऐसे ही छोड़ दीजिए और 20 मिनट बाद आप अपने चेहरे को ताज़े पानी से धुल लीजिए। तो मैंने भी इस पैक को लगाकर थोड़ी देर के लिए मसाज किया, उसके बाद मैंने अपने हाथों को ताज़े पानी से धुल लिया। तो फ्रेंड आप फ़र्क देख सकते हो मेरे दोनों हाथों में, मैंने अपने दोनों हाथों को पानी से धुला है लेकिन दोनों हाथों में जो ग्लो है उसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो बहुत ही बेहतरीन सा ये पैक है गाइस, जो कि आपकी स्किन को बहुत टाइट, ग्लोइंग, बेदाग और खिला खिला सा बनाएगा। और नॉर्मल ऑयली ड्राई स्किन सभी इसको यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट मैंने बता दिया है कि जिनकी भी स्किन ड्राई है वह यहाँ पर एलोवेरा जेल या फिर कर्ड या मिल्क का यूज़ करें, जिनकी स्किन ऑयली है वह यहाँ पर सिर्फ रोज़ वाटर या फिर नॉर्मल वाटर का यूज़ करें। तो इस तरह से आप इस पैक को बनाकर हफ्ते में कम से कम दो बार ज़रूर अप्लाई करें। आप देखेंगे आपके चेहरे के जो भी दाग धब्बे हैं वह दूर होने लगेंगे, स्किन टाइट होने लगेगी, स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो आने लगेगा और आपके चेहरे पर जो पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हफ्ते में दो बार आप इसको ज़रूर अप्लाई करें, आप इसको तीन बार भी अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, ऑरेंज पील पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है, तो आप पहले इसको लगाने से पहले चेक कर लीजिएगा कि आपको ऑरेंज पील पाउडर सूट करता है या नहीं, तब आप इसको अप्लाई कीजिएगा। आई होप गाइज कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और मेरी हेयर ग्रोथ की वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।